So let us start with next chapter, that is dual nature of radiation and matter. Simple chapter hai. Kul mila ke do hi formulas hai in total. You have just two formulas. Ek aayega de Broglie wavelength ka basic formula bata raha hu do. Fir do se aur 8 10 total banenge. De Broglie wavelength lambda equal to h upon p. Ye basic formula hai. Fir yahan se h upon under root of 2 m k अंडर रूट ऑफ 2 एम क्यू वी ये सब फॉर्मूला बनाएंगे बाद में. और एक है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, करेक्ट, दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन एच नू इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन. तो ये दो ही फॉर्मूलाज है जिनको याद नहीं, यू हैव टू रिवाइज. जब मेटल प्लेट पे इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होगा, इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होता है ना, फोटोन इंसिडेंट होगा, तो थोड़ा सा जागो. जब मेटल प्लेट पे फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे. अगर एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन्स इज वर्क फंक्शन फाई, राइट, फाई फाई नॉट बोल दो, एंड एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच नू, तो रिमेनिंग एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एच नू इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी. ये बेसिक फॉर्मूला है. तो ये दो ही फॉर्मूलास मैंने बताया, वो दो ही आएंगे. बहुत सारे बुक्स में इस चैप्टर का नाम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स है, राइट. चलो टू स्टार्ट ऑफ विथ पहला क्वेश्चन, सिंपल. द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल एंड इट्स एसोसिएटेड मोमेंटम इज ऑप्शन डी, करेक्ट. lambda is equal to h by p, मतलब lambda is inversely proportional to p. inverse relation, और याद रखना ये inverse relation कभी भी straight line नहीं होता है, right? और inverse relation में जब एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, तो momentum बढ़ेगा तो wavelength कम होगा, लेकिन straight line नहीं होगा. तो एक ही option है, option number d, जिसमें momentum बढ़ रहा है, wavelength कम हो रहा है, but not linearly. तो answer is option number d. खत्म. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 एनसीईआरटी पेज नंबर 400. एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, वेरी गुड. इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट. इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.227 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 11 नैनोमीटर, गलत लिखा है, दिस इज रॉन्ग. और 10 रेस्ट टू माइनस 11 और फिर नैनो हो ही नहीं सकता, तो रॉन्ग है वो, नैनो नहीं आएगा वहां पे, मीटर में आएगा. द पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रॉन, मैंने दो तीन बार बोल दिया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन. क्यों इलेक्ट्रॉन? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के केस में तुमको याद है क्या आता है, नहीं याद, 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर रूट ऑफ वी, याद होना चाहिए. व्हाट इज वेवलेंथ गिवन टू यू? 1.227 into 10 raised to minus 11, minus 11. Very good, very good. Minus 11. What is angstrom? 10 raised to minus 10. 10 raised to minus 10. Very good. Good. Okay. So 10 raised to minus 10. यहाँ कितना बचेगा? -1. कितना बचेगा? -1. ये रूट बी को यहाँ लेके आ गए, ये 10 है और ये 10 टू माइनस 1 जो बचा था वो यहाँ पे आके 10 टू माइनस 1 हो गया, तो कितना हो गया? 10 टू 2. हमको v पूछा है कि अंडर रूट ऑफ v पूछा है, v, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 10 टू 4 वोल्ट. तो आंसर क्या आएगा? 10 टू 4 वोल्ट. ऑप्शन नंबर सी. डन, खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन,
एन इलेक्ट्रॉन अगेन इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज नियरली इक्वल टू, ऑप्शन नंबर, अरे उल्टा क्वेश्चन है इसका, इसका क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, वेवलेंथ क्या था, 1.227, तो वोल्टेज कितना आया 10,000 वोल्ट, बराबर। तो जब 10,000 वोल्ट वोल्टेज होगा तो वेवलेंथ कितना आएगा, 1.227 × 10^-11। तो जब डेसिमल शिफ्ट करोगे तो 10^-12, 10^-12 डन। बराबर है, दिस इज इक्वल टू 12.27/√V एंड स्ट्रॉन्ग, हो गया। तो 12.27 वोल्टेज कितना है, 10^4, ये कितना दिया हुआ है, 10^-10, एंड सो 10^-10, ये कितना है 100, ऊपर जाकर क्या होगा, क्या होगा -2, तो कितना आ जाएगा -12, तो मैंने भी तो वही लिखा ना, 12.2 × 10^-12 मीटर, डन। ये एनसीईआरटी बुक में सेम पेज पे है ये भी और ये भी, 1020 में पूछा है, 1019 में पूछा है। पीपल से नीट इज डिफिकल्ट, आई तो डोंट सी एनी डिफिकल्ट पार्ट हियर, क्या डिफिकल्ट है इसमें, नथिंग, डन। अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, अभी इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि कभी कभी ना फोटॉन बोल देते हैं, तो फोटॉन इज नॉट प्रोटॉन, फोटॉन डज नॉट हैव मास, फोटॉन डज नॉट हैव चार्ज, प्रोटॉन हैज मास एज वेल एज चार्ज। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, बाद में आंसर करो। अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू द सेम एनर्जी, टू द सेम एनर्जी, इंपॉर्टेंट था, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा पी एंड लैम्डा ए, ए नहीं हो सकता, दे शुड से लैम्डा ई, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ, नहीं तो अल्फा पार्टिकल, सॉरी क्वेश्चन में क्या है, अल्फा पार्टिकल, तो लैम्डा अल्फा आर इन द रेशो। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या, एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों को हमने एक्सेलरेट किया रेस्ट से, मतलब इनिशियल स्पीड 0 से सेम एनर्जी तक, राइट। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा पी एंड लैम्डा अल्फा आर इन द रेशो, एनर्जी जब वर्ड यूज किया हो तो फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आना चाहिए। व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एच अपॉन पी, आपको याद है ये, आप लिखते हो 2m × एनर्जी, एनर्जी को एनसीईआरटी बुक्स में ई के जगह लिखते हैं के, के स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी, जिनको पता ही नहीं ये कहाँ से आया तो नो बिग डील, व्हाट इज बेसिक फॉर्मूला, राइट। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, ½mv². व्हाट इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मास, ½m²v² / m, सिर्फ मास एडजस्ट कर लिया, mv इज p, दैट इज p² / 2m, तो व्हाट इज p² 2mk, तो व्हाट इज p √2mk, व्हाट इज वेवलेंथ, एच अपॉन √2mk, ऐसा आता है वो फॉर्मूला। एनर्जी सेम है, मतलब के कांस्टेंट है, टू तो वैसे भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट ही है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √मास, बराबर। किसका रेशियो चाहिए था तुमको, लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा, तो √m α अपॉन m प्रोटॉन, बराबर। क्लियर क्लियर, श्योर श्योर, यस यस। अल्फा पार्टिकल मतलब क्या, हीलियम न्यूक्लियस, उसमें कितने प्रोटॉन्स कितने न्यूट्रॉन्स, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम है, तो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, एमपी एमपी कैंसिल, व्हाट इज √2, तो लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा अल्फा कितना आना चाहिए, 2:1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुड क्वेश्चन। 2018 नीट एनसीईआरटी पेज 398। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम विथ एन इनिशियल वेलोसिटी वी बार इक्वल टू वी जीरो आई कैप वेर वी जीरो इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब ऐसा क्यों बोला होगा वी जीरो ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि साथ में आई कैप है, मतलब वी जीरो पॉजिटिव है। अगर वी जीरो पॉजिटिव है तो पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, अगर वी जीरो नेगेटिव हो जाता है तो फिर नेगेटिव। एंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार वेर ई बार इज ई जीरो आई कैप, ई जीरो इज कॉन्स्टेंट बट पॉजिटिव। मतलब इसका मतलब वापस यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, मतलब ये वेलोसिटी इनिशियल है। ओके, इफ लैम्डा जीरो इज एच डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनिशियली, तो लैम्डा जीरो इज इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब जहां जहां जीरो है वो सारे के सारे इनिशियल पैरामीटर्स है एट टी इक्वल टू जीरो। देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम टी इज, तो टाइम टी पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा, दैट इज अ क्वेश्चन। वैसे डायग्राम की जरूरत तो है नहीं, बट जस्ट फॉर यू टू हैव लिटिल बिट ऑफ इमेजिनेशन, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जिनको क्वेश्चन अभी भी नहीं समझा, मैं वापस बता देता हूँ, क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं। इलेक्ट्रॉन है, मास एम है, इनिशियल वेलोसिटी है वी जीरो आई कैप, एंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई जीरो आई कैप एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, लैम्डा जीरो इज द इनिशियल डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ, देन व्हाट इज द डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ एट टाइम टी। क्लियर है ना, थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नॉलेज लगेगा, वो अप्लाई करना पड़ेगा। वेवलेंथ कब चेंज होगा, जब स्पीड चेंज होगा, क्योंकि वेवलेंथ इज एच अपॉन एम वी, एच कॉन्स्टेंट एम कॉन्स्टेंट, मतलब वी चेंज होगा तब वेवलेंथ चेंज होगा, मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन होना चाहिए। दिस इज हाउ यू कनेक्ट। फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा एक ही चीज बोलता रहता हूँ कि बेसिक जिसका क्लियर है उसके लिए फिर देयर इज नो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये आपके पास है इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज बेसिकली ई जीरो आई कैप, देन यू हैव अ इलेक्ट्रॉन जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं था, अभी एंटर किया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव टू पॉजिटिव की पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, वेरी गुड, राइट, गुड। और इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नेगेटिव। नाउ एज इट एंटर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इट स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, ये उसका इनिशियल वेलोसिटी था वी जीरो, बट नाउ इट इज एक्सेलरेटिंग। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्स। व्हाट इज फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, बराबर, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन मास। बट डू यू रिमेम्बर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास, लेकिन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई जीरो। व्हाट इज चार्ज, इलेक्ट्रॉन है ई और ये ई जीरो अपॉन एम। यहां तक क्लियर, पक्का पक्का? आपको क्या पूछा था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम टी इट इज एच अपॉन एम वी, बराबर, सही है क्या? यस, ये फाइनल वेलोसिटी है। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इनिशियल एंड एक्सेलरेशन, यू प्लस एटी। काइनेमेटिक्स, फाइनल वेलोसिटी वी इज यू प्लस एटी, लेकिन यू को इन्होंने क्या बोला है, वी जीरो, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी जीरो प्लस एटी, बट व्हाट इज ए, हाँ, ई ई जीरो बाय एम इनटू बराबर। इफ यू लुक आंसर इज इन टर्म्स ऑफ लैम्डा जीरो, दैट इज इनिशियल वेवलेंथ, तो मुझे बताओ कि इनिशियल वेवलेंथ क्या आएगा, व्हाट इज लैम्डा, एच अपॉन एम वी, वी मतलब इनिशियल बोलूंगा तो मैं यू, लेकिन इनिशियल को क्या बोला इन्होंने, वी जीरो, और इसमें क्या बोला है, मतलब मुझे एच अपॉन एम वी जीरो एडजस्ट करना पड़ेगा इस इक्वेशन में, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर में है, राइट, एच बाय एम तो आ गया, साथ में कौन चाहिए, वी जीरो, तो क्या कॉमन निकालोगे, वी जीरो कॉमन निकालोगे, वेरी गुड, तो वी जीरो निकाल लो कॉमन।
लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी जीरो आ गया कॉमन, वन प्लस ई ई जीरो वी जीरो बाय एम इंटू टी एच अपॉन एम वी जीरो, हाँ डिवाइड 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 डिवाइड, गुड डिवाइड, ओके। देन व्हाट इज एच अपॉन एम वी जीरो, लैम्डा जीरो। सो यू हैव दिस एज लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट लैम्डा जीरो अपॉन वन प्लस ई नॉट अपॉन एम वी नॉट इंटू टी। देखो है क्या समवेयर, ऑप्शन नंबर ए बराबर है ना, बराबर है, बराबर है, हाँ हाँ वो ऐसा है, चेक कर लो एक बार। हमारे यहाँ पे टी कहाँ पे आ रहा है, डिनोमिनेटर, यहाँ पे क्या आएगा डिनोमिनेटर, यहाँ पे क्या आएगा डिनोमिनेटर, यहाँ पे क्या आएगा डिनोमिनेटर, तो करेक्शन है, फिर करेक्शन है, डन। दिस इज दिस शुड नॉट बी हियर, दिस शुड बी हियर, तो यहाँ पे ये करेक्शन है, दिस इज करेक्शन। और ऑप्शन नंबर ए अगर आंसर की दिया है तो हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फाइव, आंसर की ए, और ऑब्वियसली टी इज इन द डिनोमिनेटर, प्रिंटिंग मिस्टेक, करेक्ट है, यही आंसर है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, द रीजन इज पढ़ोगे क्वेश्चन तो समझ में आएगा, देयर इज समथिंग हैवी वाटर, यस ड्यूटेरियम। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद हैवी वाटर एट टेम्परेचर टी एंड मास एम एस। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद हैवी वाटर, तो न्यूट्रॉन इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद हैवी वाटर, राइट, एट टेम्परेचर टी एंड मास एम एस। तो पहले तो पता होना चाहिए हैवी वाटर मतलब क्या, एच टू ओ में जो एच होता है नॉर्मली वो होता है हाइड्रोजन में, मतलब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन वाला हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम। अगर ये एच टू ओ में दो एच में से हाइड्रोजन निकाल के ड्यूटेरियम डाल दोगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, राइट, उसको बोलते हो हैवी वाटर, क्या बोलते हो उसको, हैवी वाटर। बेसिक डिफरेंस ये है कि जो नॉर्मल वाटर है एच टू उसमें रोटेशनल मोड्स और वाइब्रेशनल मोड्स भी होते हैं और हैवी वाटर में नहीं होते हैं। हैवी वाटर इज जस्ट लाइक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल सिंगल, व्हाट आई मीन इज, चलो बता ही देता हूँ, एच टू ओ, एच टू ये एच और ये एक और एच, एच टू ओ और एक ऑक्सीजन, ऐसा। तो नॉर्मल वाटर में यू हैव रोटेशनल मोड्स एंड वाइब्रेशनल मोड्स, तो दिस कैन रोटेट आल्सो, लेकिन हैवी वाटर में रोटेशनल मोड्स नहीं होते, वाइब्रेशनल भी नहीं होते, सिर्फ ट्रांसलेशनल होते हैं। तो इट इज लाइक समथिंग लाइक दिस, यू डू नॉट हैव मोड्स ऑफ वाइब्रेशन एंड मोड्स ऑफ रोटेशन, मतलब इट बिहेव लाइक अ मोनो एटॉमिक गैस। क्यों, क्योंकि मोनोएटॉमिक तो मैंने देखा तो वो एक ही काम करेगा ट्रांसलेशन, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, थ्री, क्योंकि ट्रांसलेशन के तीन होते हैं, रोटेशन के दो होते हैं, वाइब्रेशन के भी दो होते हैं, तो टोटल सात होते हैं, लेकिन यहाँ पे तीन ही होंगे, कितने होंगे कितने होंगे कितने होंगे कितने होंगे, तीन। व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ के बी टी, एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ के बी टी, हाफ के बी टी भूलना नहीं, हाफ के बी टी विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैं के बी को चलो के बी लिख देता हूँ, के बी टी। तो यहाँ पे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तीन, तो थ्री बाई टू के बी टी, ये फॉर हैवी वाटर है, याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैवी वाटर,
एफ इज जस्ट थ्री एंड दे आर कम फ्रॉम ट्रांसलेशन ओनली। आपको पूछा गया है, क्या पूछा है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ? अंडर रूट ऑफ 2 m के नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे भी के भी है, फिर वो भी के कंफ्यूजन हो जाएगा। करेक्ट। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 m। व्हाट इज ई? 3/2 kbd। 2 2 कैंसल। व्हाट इज वेवलेंथ? एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 m, 3 m kbt, 3 m kbt। हो गया। कहाँ पे है? एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 m kt, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड अ फोटोन। मैंने बोला था प्रोटॉन और फोटोन। लुक एट द वर्ड्स केयरफुली, क्योंकि तुमने गलती से प्रोटॉन पढ़ लिया तो गए। रॉन्ग आंसर। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड अ फोटोन हैव सेम एनर्जी। दोनों का एनर्जी सेम है। द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम इज। रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन इज। एक एक करके। इलेक्ट्रॉन बीइंग अ पार्टिकल, उसका वेवलेंथ आएगा कहाँ से? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से, मतलब एच अपॉन एम बी से। लेकिन कहीं तो बोला है कि एनर्जी सेम है, बोला है ना ऐसा? हाँ, तो फिर एनर्जी के टर्म में लिखो एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 m e, एक्चुअली एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन इज सेम। और आपको पता है फोटोन का एनर्जी होता क्या है? एच न्यू। तो आपको पता है न्यू क्या होता है? एच सी बाय लैमडा। लेकिन लैमडा किसका? फोटोन का। तो यहां से व्हाट इज लैमडा फोटोन? एच सी बाय ई पी। एच सी बाय ई पी। वेरी गुड गुड। तो अब आपको रेशियो पूछा था, किसका रेशियो पूछा है? वेवलेंथ का। तो ये क्या आएगा? एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 m एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एच सी अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन। बराबर। एच एच हो गया कैंसिल, ई पी गया ऊपर, सी अंडर रूट ऑफ 2 m e e। लेकिन अगर आपको याद होगा एनर्जी ऑफ फोटोन और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सेम बोला है, तो दोनों एनर्जीज सेम है। वो एनर्जीज आर एग्जैक्टली सेम, इक्वल। तो अब इसको अंडर रूट के अंदर लेके जाओगे, व्हेन यू टेक दिस इनसाइड रूट, 1/c रहेगा अलग से, अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ई स्क्वायर। ई पी इज इक्वल टू ई, तो ई पी स्क्वायर मतलब ई स्क्वायर अपॉन 2 m। इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज ऑल्सो सेम, एक ही कैंसल। तो रेशियो ऑफ वेवलेंथ इज 1/c अंडर रूट ऑफ ई अपॉन 2 m, ई अपॉन 2 m होना चाहिए। है क्या? ऑप्शन नंबर सी है ना, 1/c ई बाई 2 m का रूट, 1/c ई बाई 2 m का रूट, ऑप्शन नंबर सी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास m विथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास m विथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा फॉल ऑन अ टारगेट इन एन एक्सरे ट्यूब। द कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा जीरो ऑफ द इमिटेड एक्सरे इज। तो पहले तो ये जो टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, वो आपको सिलेबस में नहीं है, स्टेट बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, वो डायरेक्टली एनसीईआरटी में ही आता है। तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया बता देता हूँ। यू नो ईच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड बाय सम डिफरेंट मेथड। तो पहले तो बताओ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन से पार्ट है, एंड आई वॉन्ट आंसर टू बी वेरी स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी।
मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसका, फिर किसका, फिर किसका, ऐसा बताओ। सबसे पहले गामा, गामा रेस, उसके बाद एक्स रेस, उसके बाद यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के तीन पार्ट्स होते हैं, नियर, मिड एंड फार। उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो वेव। सबसे ज्यादा एनर्जी होता है गामा का। दे आर प्रोड्यूस इन साइड अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर डीके, या तो फिर स्पिन इंटरेक्शन से, वो हायर लेवल है, छोड़ दो उसको, बट न्यूक्लियर डीके में गामा रेडिएशन का प्रोड्यूस। फिर प्रोड्यूस होता है एक्सरे। एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है वो आपको पता नहीं होगा तो बता देता हूँ। सो सिंपल, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑर्बिट्स और सेंटर पे है न्यूक्लियस। नॉर्मली ये जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है ना, दे आर वेरी स्टेबल, क्योंकि इनका बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। जितना पास में है उतना ही न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, न्यूक्लियस पॉजिटिव, और जितना पास में है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब इनको फ्री करने के लिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। रिमेम्बर दिस, जितने तुम बाहर के ऑर्बिट्स में जाओगे तो बाहर के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड, राइट? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है न्यूक्लियस से, तो फोर्स कम हो रहा है, बिकॉज फोर्स इज 1/4π0Q/Q1Q2R2। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा डेफिनेटली। अब टू प्रोड्यूस एक्सरेज, हम कॉपर या निकेल का टारगेट देते हैं। उस कॉपर या निकेल के टारगेट पे हम बम्बार्ड कर देते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड कर दिए, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन इनर मोस्ट के साथ हो जाएगा कोलाइड, और ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है। जब कोलिजन होता है तो देर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन विच इज इन द ऑर्बिट, और यहाँ पे दिस विल बेसिकली थ्रोन आउट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से गया, गया तो एक वैकेंसी क्रिएट करके गया, मतलब ये एटम जो पहले स्टेबल था अब हो गया अनस्टेबल, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए पहले ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर इसको वापस स्टेबल करने के लिए, मतलब इस वैलेंसी को भरने के लिए, ऊपर से ट्रांजिशन होगा, या तो 2:1 होगा या तो 3:1 होगा। तो 2:1 भी एक्सरे होता है, जिसको आप अल्फा लाइन बोलते हो। अभी डिपेंड करता है बुक टू बुक, कहीं अल्फा लाइन बोलेंगे, कहीं बीटा लाइन बोलेंगे, किस कहीं के अल्फा बोलते हैं, तो ये के अल्फा है, राइट? कहीं के बीटा भी बोलते हैं, के बीटा, नॉर्मली बीटा इज सेकेंड लाइन। तो या तो 2:1 ट्रांजिशन होगा या फिर 3:1 ट्रांजिशन होगा। एंड यू नो, वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, इट शुड इमिट एनर्जी, राइट? तो एनर्जी इमिट होगा, एंड दैट एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज। तो एक्सरे भी ट्रांजिशन से आता है, लेकिन लेकिन ट्रांजिशन टू द इनर मोस्ट लेवल्स। दो टाइप के एक्सरे होते हैं, एक होते हैं, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे दे कम फ्रॉम ट्रांजिशन 2:1, 3:1। एक होता है कंटिन्यूअस, राइट? अब ये कंटिन्यूअस कैसे आते हैं वो भी समझ लो। मैंने अभी इसलिए बोला ना कि हर एक इलेक्ट्रॉन कोलिजन नहीं करेगा, हर एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी कोलाइड होगा, वेरी लेस चांस। तो बाकी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं फिर? ये बाकी इलेक्ट्रॉन आए, कोलिजन तो नहीं हो पाया, बराबर हुआ क्या कोलिजन? नहीं। लेकिन लेकिन रिमेम्बर रिमेम्बर रिमेम्बर, ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स में न्यूक्लियस को घेर के रखा है उसको बोलते हैं शील्डिंग। शील्डिंग मतलब क्या कर रहे हैं? वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स मे नॉट बी एबल टू इंटरैक्ट विथ न्यूक्लियस, सो दे आर इंटरैक्टिंग विथ अदर इलेक्ट्रॉन्स। जो कोलाइड हुआ वो छोड़ दो, बाकी तो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये भी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव। ऐसे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होता है कि अट्रैक्शन होता है? रिपल्शन। तो होगा क्या, ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स थे दे आर बीइंग स्टॉप्ड, रिपल्शन। रिपल्शन तो स्लो डाउन, स्लो डाउन होगा कि नहीं? स्लो डाउन मतलब डी एक्सेलरेशन। तो जब डी एक्सेलरेट होता है ना, तो पहली बात तो पाथ चेंज होता है, नंबर टू डी एक्सेलरेशन मतलब स्पीड कम होना, मतलब एनर्जी कम होना। यहाँ पे एनर्जी ज्यादा था, इंटरेक्शन के बाद कम हो गया, एनर्जी कैन ईदर बी क्रिएटेड
कोई कहाँ गया, कहाँ गया, इमिट हो गया इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म काइनेटिक, कैसे, कुछ हुआ ही नहीं। ये यहाँ पे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन थे, ये लो एनर्जी बन गए, तो सिर्फ क्या इमिट हुआ, एनर्जी, मतलब क्या इमिट हुआ, फोटोन। कौन सा फोटोन, वापस से एक्सरे। तो एक्सरे फोटोन दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूस आते हैं कहाँ से, डी एक्सेलरेशन से, कहाँ से, डी एक्सेलरेशन से। इसका एक स्पेसिफिक नाम भी है, वो आप चेक करोगे, इसको बोलते हैं ब्रह्मस्थलन। चलो बताया दिया मैंने, क्या बोलते हैं इसको, ब्रह्मस्थलन। ब्रह्मस्थलन मतलब ब्रेकिंग रेडिएशन, ब्रेक लगा कि नहीं इसका, ब्रेक किसका ब्रेक, इलेक्ट्रॉन का ब्रेक, मतलब इलेक्ट्रॉन का डी एक्सेलरेशन हुआ। डी एक्सेलरेशन होना मतलब स्पीड कम होना, स्पीड कम होना मतलब एनर्जी कम होना, तो गया कहाँ एनर्जी, इमिटेड। तो ये जो ब्रह्मस्थलन है ये कंटिन्यूस होता है, और साथ में जब कोलिजन होता है, तो कोलिजन जब होगा तो एक सिंगल लाइन देखेगी, क्या देखेगी, सिंगल लाइन। मैंने पहले ही बता दिया कोलिजन के चांसेस बहुत कम है, लेकिन ब्रह्मस्थलन बहुत ज्यादा है। तो एक्सरे के दो स्पेक्ट्रम है, एक है लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन क्यों, जब भी कोलिजन हुआ, ट्रांजिशन 2 to 1 या फिर 3 to 1, तो एक लाइन इमिट होगा, सिंगल लाइन। इमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज लाइन स्पेक्ट्रम, एक एक लाइन होता है, करेक्ट, राइट। तो वो बहुत कम है, मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, ब्रह्मस्थलन मतलब क्या है, कंटिन्यूअस। तो जगह देखोगे, एक्चुअली देखोगे ना, ग्राफ चेक करना, एक्सरे स्पेक्ट्रम चेक करना, तो आपको एक्सरे स्पेक्ट्रम ऐसा दिखेगा, और सडनली एक लाइन दिखेगा, फिर कंटिन्यूअस दिखेगा, फिर एक लाइन दिखेगा, फिर कंटिन्यूअस दिखेगा, फिर एक लाइन दिखेगा, तो ऐसा उसका स्पेक्ट्रम आता है। चेक करोगे कि नहीं पता नहीं, तो यहीं पर चेक कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू हियर इट सेल्फ। एक्सरे स्पेक्ट्रम, एक्स रे स्पेक्ट्रा, एक्सरे स्पेक्ट्रा, जस्ट अ मिनट, दिस इज नॉट द वन दैट वी आर लुकिंग फॉर। हाँ यहाँ पे है, ऐसा ही आता है वैसे, बट आई वॉन्ट समथिंग मोर बेसिक। यस हियर वी गो, एक मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट, और ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नीड टू नो ऑल दिस बाय नाउ। कॉपी इमेज, लेट अस पुट इट हियर, देखो ओके, इट इज नॉट बी गेटिंग रिसाइज, आई डोंट नो फॉर सम रीजन, पर ठीक है, आई थिंक यू कैन सी, दिख रहा है सबको, तो दिख रहा है ये कंटिन्यूस पार्ट है, फिर दिख रहा है ऐसे लाइंस, मैंने क्या हुआ था, अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा लाइंस है, तो ये जो कंटिन्यूस पार्ट है ये कौन सा है, ब्रह्मस्थलन पार्ट है, और जो लाइंस आपको दिख रहे हैं पीक, वो कौन से है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो दिस इज एक्सरे स्पेक्ट्रम, अब इतना पता होना चाहिए, इवन दो इफ यू डू नॉट नीड फॉर दिस क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पता होना चाहिए, तो यू शुड नो। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास एम विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉल ऑन टारगेट, ये टारगेट एटम है, फॉल मतलब इंसिडेंट, ये जो ये दिख रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना है, लैम्डा। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन था इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना है, लैम्डा, इट फॉल्स ऑन अ टारगेट, टारगेट इज नॉर्मली कॉपर, नॉर्मली। देन आगे बोला है द कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 0 ऑफ इमिटेड एक्सरे, कट ऑफ वेवलेंथ, एक्सरे इमिट कब होगा, जब कोलिजन होगा और फिर ट्रांजिशन होगा, बराबर, राइट, गुड। तो मेरे को बताओ, मेरे को बताओ, जब ट्रांजिशन होता है तो एनर्जी इमिटेड का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट, इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन ए एन माइनस ए पी, ठीक है, मेरे को फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटोन,
हाँ तो फिर एक्सरे क्या है, फिर फोटोन ही है ना, तो एच नू मतलब एच सी बाय लैमडा, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू, एच सी बाय लैमडा, करेक्ट? तो लॉजिकली सोचो, एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज अपेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ एक्सरे, डन, वही है, खत्म। तो फिर इसको सॉल्व कैसे करोगे वो बताओ मेरे को, हाउ विल यू सॉल्व दिस? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टारगेट पे जो तुमने इलेक्ट्रॉन हिट किया जिसका वेवलेंथ लैम्डा था, उसका एनर्जी कहाँ गया? एनर्जी ऑफ फोटॉन बन गया, राइट? तो व्हाट इज एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ? चलो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी बता दो, हाफ एम वी स्क्वायर, वेरी गुड। व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटॉन ये भी बता दो, एच सी बाय लैम्डा, मैं इसको लैम्डा जीरो बोलूंगा क्योंकि उन्होंने बोला है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे? लैम्डा जीरो, कट ऑफ वेवलेंथ, एक्सरे का वेवलेंथ कितना है? लैम्डा जीरो। तो राइट हैंड साइड पे क्या है? एक्सरे है, फोटोन मतलब एक्सरे है, तो उसका वेवलेंथ कितना है? लैम्डा जीरो है। कैन आई मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एम हियर, राइट? पक्का? ओके, व्हाट इज एम वी? वेरी गुड। व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला? लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी, तो व्हाट इज पी? फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, मैंने यहाँ पे लैम्डा क्यों लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन था उसका वेवलेंथ कितना है? लैम्डा, बराबर पी स्क्वायर बाय टू एम। व्हाट इज पी? तो एच स्क्वायर बाय लैमडा स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाय लैमडा जीरो, वेरी गुड। एक और एक कैंसिल, तुमको क्या पूछा था, क्या पूछा है? लैमडा जीरो, वेरी गुड, लैमडा जीरो शिफ्ट कर दो, लैमडा जीरो इसको भी शिफ्ट कर दो, तो एच अपॉन लैमडा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? सी है, शिफ्ट करोगे ना? सही लिखा मैंने? नहीं, गलत लिखा है, वेरी गुड। तो क्या आएगा फिर बताओ? हाँ, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? जस्ट अ मिनट, बताओ क्या आएगा? टू एम सी अपॉन एच बाय लैम्बडा स्क्वायर, एच बाय लैम्बडा स्क्वायर जाएगा ऊपर, बराबर? तो ऐसा कुछ है तो देख लो, मिल गया तो ठीक। ऑप्शन ए खत्म, डन। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन था विद डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ लैम्डा, उसका एनर्जी किसके फॉर्म में अपेयर हुआ? एक्सरे के। तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन, डन, खत्म। दैट्स इट फॉर टुडे।